नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जैस्मिन सालकर, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड क्लिनिकल हेड हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। आज हम ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या होते हैं और एंडोमेट्रियोसिस का फर्टिलिटी पोटेंशियल पे यानी एक महिला का गर्भधारण पे क्या असर हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कंडीशन है जो कुछ महिलाओं में पाई जाती है और जिन महिलाओं को अगर पीरियड्स यानी कि महावारी आने पर पेट में या निचले हिस्से में दर्द ज्यादा हो रहा हो, बर्दाश्त के बाहर हो रहा हो, उनको दर्द कम करने के लिए, पेट का दर्द कम करने के लिए बार बार मेडिकेशंस लेना पड़ रहा हो या फिर महावारी के समय में ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा हो, हर साइकिल में ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा हो, साथ ही साथ पेन भी बहुत सीवियर हो रहा हो, कुछ महिलाओं को जिनको संबंध रखते समय अगर पेन ज्यादा हो रहा हो, पेल्विक में या पेट के निचले हिस्से में पेन ज्यादा हो रहा हो, ऐसे सिचुएशंस में आपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए और आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं चेक करना चाहिए। तो यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है कि हमारा यूट्रस जो होता है, गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय का लाइनिंग, गर्भाशय के लाइनिंग में एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं। ये सेल्स जब लाइनिंग से बाहर निकलकर ट्यूब्स में आ जाए या ओवरीज पर आ जाए या हमारे पेल्विक के बाकी स्ट्रक्चर्स में आके डिपॉजिट हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये सब उनके लिए नॉर्मल जगह नहीं है, ये अपनी नॉर्मल जगह से बाहर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन सब स्पॉट्स पे वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बनाएंगे, वहाँ पे रिएक्शन होकर वहाँ पे जब ये डिपॉजिट्स आते हैं उस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से इसके सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस अगर ट्यूब्स में आ जाता है तो ट्यूब्स में स्कारिंग होकर ट्यूब्स बंद हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस अगर ओवरीज में आ जाए तो ओवरीज में सिस्ट तैयार हो सकते हैं और अगर एंडोमेट्रियोसिस गर्भाशय के भीतर आ जाए तो उस कंडीशन को हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। और अगर ये एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स पेल्विक स्ट्रक्चर्स में यानी यूट गर्भाशय और ओवरीज के आसपास कहीं डिपॉजिट हो जाए तो उस रिएक्शन की वजह से स्कार टिश्यू फॉर्म होकर भीतर काफ़ी तरह से एक जाले जैसा अधीशंस फॉर्म हो जाते हैं, स्कारिंग की वजह से अधीशंस फॉर्म हो जाते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से एंडोमेट्रियोसिस के आगे के सिम्टम्स यानी कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने की वजह से पीरियड्स के महावारी के दौरान पेन ज़्यादा होना, अगर ओवेरियन सिस्ट अगर तैयार हो जाते हैं तो ओवेरियन सिस्ट की वजह से अंडों की संख्या उम्र के पहले कम हो जाना, एग का क्वालिटी कम हो जाना और तीसरी बात ट्यूब्स और ओवरीज का जो नॉर्मल रिलेशन है ये डिस्टर्ब हो जाना, तो ऐसी कुछ चीज़ें पाई जाती है। अगर गर्भाशय में एडिनोमायोसिस आ जाए तो गर्भाशय का साइज बढ़ जाता है और पीरियड्स में पेन ज़्यादा सीवियर होना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं और इन कुछ वजहों से जो एंडोमेट्रियोसिस होने पर महिलाएं अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उनका गर्भधारण के चांसेस कम होते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में एग की क्वालिटी कमज़ोर हो सकती है, एग के नंबर समय से पहले कम हो सकते हैं, ट्यूब्स और ओवरीज का जो रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है स्कारिंग की वजह से तो नेचुरल प्रेगनेंसी आने में मुश्किल हो सकती है और अगर गर्भाशय में एडिनोमायोसिस रहता है तो प्रेगनेंसी पकड़ने की ताकत कम हो सकती है। तो इन कुछ वजहों से एंडोमेट्रियोसिस होने पर गर्भधारण के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सही टाइम पे सलाह ले और सही टाइम पे सलाह लेकर एक्टिव ट्रीटमेंट प्लान करके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। तो यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस का स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है और स्टेज वन स्टेज टू एंडोमेट्रियोसिस होने पर पहले हम महिलाओं को IUI की सलाह देते हैं। अगर उनके ट्यूब्स नॉर्मल हो तो स्टेज वन और स्टेज टू एंडोमेट्रियोसिस होने पर हम महिलाओं को IUI की सलाह देते हैं। मान लीजिए अगर 2 से 3 साइकिल IUI में प्रेगनेंसी ना आए और स्टेज वन स्टेज टू एंडोमेट्रियोसिस हो तो ऐसे सिचुएशन में फिर आगे की ट्रीटमेंट IVF करनी होती है। लेकिन अगर लैप्रोस्कोपी पर स्टेज 3 स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस हो या एग का नंबर बहुत कम हो या फिर ट्यूब्स किसी कारणवश ओपन ना किए जाए एंडोमेट्रियोसिस सिचुएशन में, फिर ऐसे केसेस में IUI का भी कोई रोल नहीं होता, डायरेक्ट IVF ट्रीटमेंट द्वारा ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। तो आपको अगर इस किस
इस तरह के कई कुछ लक्षण हो या एंडोमेट्रियोसिस का सस्पिशन हो तो आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर सही समय पर प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए सलाह लें और प्रेगनेंसी प्लान करें। धन्यवाद।